और चलिए अब बात करते हैं टिकटों के काउंटडाउन की। तो बीजेपी में टिकटों का काम लगभग अंतिम दौर में है और माना यह जा रहा है कि टिकटों को फाइनल टच लगभग दिया जा चुका है। और इसी को लेकर चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर की आवाज पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के साथ ही अविनाश राय खन्ना, अशोक परनामी, चंद्रशेखर, वी सतीश, अर्जुन मेघवाल, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ ये सभी दिग्गज मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी सीएम राजे की मुलाकात होगी। वहीं कल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद कभी भी पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो सबकी निगाहें हैं आज जो अहम मुलाकात कुछ देर बाद होनी है, सीएम राजे और अमित शाह के बीच में यह मुलाकात होगी और उसके बाद कल सीईसी की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि कल पहली सूची पर मुहर लग जाएगी। तो बीजेपी में टिकटों को लेकर लगातार बैठकें हुई हैं, तमाम दावेदार भी वहां पर पहुंचे रहे, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे। महामंथन आज फिर से देखने को मिला जावड़ेकर के घर पर। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में राजे, माथुर और तमाम दिग्गज, मदन लाल सैनी हो, चंद्रशेखर हो, वी सतीश हो, ये सभी दिग्गज जो थे वहां पर पहुंचे थे उस महामंथन में शिरकत करने के लिए। और अब से कुछ देर बाद सीएम राजे की मुलाकात होनी है अमित शाह से और ये मुलाकात भी बहुत अहम मानी जा रही है। और कल जो सीईसी की बैठक होनी है उसके पहले माना यह जा रहा है कि फाइनल टच दे दिया गया है। और दिल्ली से हमारी सहयोगी आदिति जुड़ गई। आदिति, आज क्या ये माना जाए कि फाइनल स्वरूप तैयार कर लिया गया है सूची का, बस कल मुहर लगने की देर है? देखिए, अभी वो फाइनल स्वरूप इसलिए तैयार नहीं माना जा सकता क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ बैठक नहीं हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ अब 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अमित शाह, एयरपोर्ट से अपने घर के रास्ते पर हैं और 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये तमाम कोर ग्रुप वहां पर जाएगा। देखिए, आज सुबह से जो लंबी बैठक चली है उसमें टिकटों से ज्यादा जो सिटिंग एमएलएस के टिकट कटने वाले हैं उससे जो डैमेज होगा उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और उसके लिए पूरी एक रणनीति तैयार की गई है कि कैसे जो बड़े नेता हैं उनको भेजा जाएगा और कैसे वो डैमेज कंट्रोल होगा संभाग वाइज। लेकिन आज जो पूरी बैठक हुई है उसमें चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरों पर भी चर्चा है, भीड़ इकट्ठा करने पर भी चर्चा है, आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा है और उसके अलावा ये जो टिकट कटने वाले हैं, जो एमएलएस के कटने टिकट कटेंगे उनको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल प्रदेश में किया जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। देखिए, टिकट के वो फाइनल स्वरूप जाहिर तौर पे सब तैयार होके सीएम वसुंधरा राजे यहाँ लेकर आई है, पूरा कोर ग्रुप लेकर आया, ये वही कोर ग्रुप है जो जयपुर में कई बार बैठ चुका है। तो अब असल में मुद्दा अच्छा, है अपडेट बताइए आदिति, क्या अमित शाह पहुंच चुके हैं और कब तक संभावना इस मुलाकात की? साढ़े सात बजे का समय है जब पूरे कोर ग्रुप को बुलाया गया है और लगभग 7:30 से 7:45 बजे के बीच में अमित शाह अपने आवास पहुंचेंगे और ये कोर ग्रुप के साथ एक लंबी बैठक हो सकती है जिसमें जो पैनल तैयार किया गया है उन पैनलों पर अमित शाह अपनी राय प्रकट करेंगे और अमित शाह का जो सर्वे है या तमाम जो लोगों का सर्वे है उसमें किस तरीके से पैनल को जो आखिरी स्वरूप दिया जाएगा वो आज रात 8 बजे 11 अकबर रोड यानी अमित शाह के आवास पर होगा। अभी तक एक फॉर्मल बैठक जरूर चल रही थी, तमाम चीजों पर चर्चा जरूर हुई लेकिन जिसे कहते हैं मोहर लगना वो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर होगा जिसका इंतजार दर्शकों को है। ये तमाम लोग जो दिन भर से प्रकाश जावड़ेकर के घर पर इंतजार कर रहे थे, बायोडेटा आज भी वो उम्मीद है, बायोडेटा साथ में है सीएम वसुंधरा राजे की एक झलक देखने के लिए। अभी अभी सीएम वसुंधरा राजे रवाना हुई हैं, अभी प्रकाश जावड़ेकर अंदर हैं, रामलाल अंदर हैं और अब ये तमाम लोग जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर, वहां चर्चा होगी और क्या कुछ होता है। बिल्कुल, एक ट्विस्ट तब आ गया था, ये कहा गया था कि जहां पर सिंगल नेम पैनल की बात कही जा रही थी वहां पर 15 जो बहुत विश्वसनीय नेता हैं, जो करीबी हैं दिग्गज, उनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जाएं और जिलों से जिला स्तर पर जाकर फिर से फीडबैक जुटाएं। क्या वो रिपोर्ट जो होगी वो टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकती है और उसकी वजह से 1-2 दिन और डिले हो सकता है?
देखिए ऑफ रिकॉर्ड जब पूछा गया हमने उन लोगों से कि आप जब गए दोबारा और ये जो आपको जिला के लिए जिम्मेदारी दी तो क्या कोई नए नाम निकल कर आए, तो उन्होंने दबी जबान में यही कहा कि नाम हमारे पास पहले भी वही थे और अब जो जिला में हम जाकर सर्वे करके आए हैं उसमें भी नाम यही निकल के आए हैं। क्योंकि नाम एक असेंबली में कितने हो सकते हैं, छुप तो सकते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा या आला कमान द्वारा ये जिम्मेदारी दी गई थी कि पैनल तैयार होने के बाद भी जो दिग्गज नेता थे उनको जिले वाइज भेजा गया और ना सिर्फ कैंडिडेट्स के नाम लेकिन और सर्वे करने के लिए, मूड के लिए, या कांग्रेस किसको खड़ा कर रही है, या जाति समीकरण क्या है, क्या बैलेंस किया जाए, तमाम मुद्दों पर एक सर्वे रिपोर्ट जरूर आई है और जो पहले ही भिजवा चुकी गई है अमित शाह को और उस पर प्रदेश अध्यक्ष कई सारा काम कर चुके हैं और खासतौर पर चंद्रशेखर उसको लेकर कई बार अमित शाह से फोन पर चर्चा भी कर चुके हैं। लेकिन जब तक आमने सामने नहीं बैठेंगे चर्चा नहीं होगी और सीएम और अमित शाह जब आमने सामने होंगे वो पर्चा आमने सामने होगा तो असली कॉन्क्रीट बात तब होगी जो अभी कुछ देर में 11 अकबर रोड यानी अमित शाह के आवास पर होगी। रात के 10 बजे तक लबोलुबाब ये तस्वीर जरूर साफ हो सकती है कि क्या कितने नाम जो है अनाउंस हो सकते हैं, कल जो सीसी होगी उसमें कितने की लिस्ट जाएगी या क्या अमित शाह की तरफ से कोई और भी सुझाव है। लेकिन सत्य यह है कि सुझाव देने का समय अब निकल चुका है, 24 घंटे से भी कम का समय है, कल 5 बजे सीसी की बैठक है और परसों से नॉमिनेशन दाखिल करना है। तो ऐसे में वो नाम जिनको नॉमिनेशन दाखिल करना है अगर उसमें नए चेहरे हैं तो उनको ये सिखाना पड़ेगा कि नॉमिनेशन कैसे दाखिल किया जाता है। तो अभी पार्टी के पास काम बहुत है और समय कम है। अच्छा कैसे आदिति, जैसी ये बात आपने कही पीछे कुछ लोग खड़े हैं, शायद दावेदार हैं, अपने हाथ में अपना बायोडेटा लेकर पहुंचे, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो क्या संभावनाएं वो तलाश रहे हैं? क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं, जैसा आपने बताया कि सुबह से ही दावेदार भी वहां पर इकट्ठा है, उधर महामंथन तो इधर दावेदारों का जमावड़ा, जरा उनसे भी बात कीजिए। बात करते हैं, आप लोग सब सुबह से यहाँ पर आए हैं, ये क्या आपके बायोडेटा आप किसको देने के लिए लाए हैं? ये वसुंधरा राजे जी। लेकिन अब जब पैनल तैयार हो चुका है, लगभग सारी चीजें हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप लेट हो चुके हैं? नहीं मैडम, प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से और हमारा नाम पैनल में है। आपका नाम पैनल में है और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दूदू विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जयपुर से। मैं मेड़ता से हूँ, सहदेव मेघवाल। तो ये तमाम लोग हैं दूदू मेड़ता जो अभी भी बायोडेटा ये साथ में लाए हैं और इनका विश्वास है कि उस पैनल में जिसमें 3 या 4 नाम है उनमें इनका नाम है और किस्मत जो है वो दिल्ली में ही खुलेगी, किस्मत 11 अकबर रोड पे ही खुलेगी जब उस पे मोहर लगेगी। और इन सबके चेहरे आप देख सकते हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं और अब वो इंतजार है कि सीएम कब अमित शाह से मिलेंगी और ये ऐसे जो बायोडेटा है या वो नाम जो सर्वे में है उस पर अमित शाह कैसे। चलिए आदिति, विश्वास सबको है, पार्टी का विश्वास ये है कि फिर से जीत मिलेगी और ये जो तमाम दावेदार पहुंचे हैं इनको ये विश्वास है कि इनको चुनाव मैदान में दो दो हाथ करने का का मिलेगा। और कुछ ऐसे ही विश्वास के साथ दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर भी दावेदार इकट्ठा हुए, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर भी देखने को मिला और शेखावत ने सभी से बात की और फीडबैक भी लिया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में गजेंद्र सिंह शेखावत को किस तरह से यहां पर जो दावेदार पहुंचे अपना अपना बायोडेटा लेकर उनसे उन्होंने बातचीत की। तो महामंथन केवल